हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हमारे पास है एंटॉर्क, जो ऑलरेडी इस टाइम परफॉर्मेंस स्कूटर्स में प्रॉपर, ऐसे मैक्सी स्कूटर तो अलग होता है, ये परफॉर्मेंस स्कूटर है, थोड़ा अच्छा भागने वाली स्कूटी इसको कहते हैं, और अराउंड 105 किलोमीटर पर आर ये करती है। तो अगर पावर फिगर्स की बात करें तो एरोक्स है 15 BHP की, ये है 10 BHP की, तो क्लोज टू 5 BHP का डिफरेंस, और प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एंटॉर्क की बात करें तो ये 95 से स्टार्ट होती है, ऑल दो ये वाला जो मॉडल है ये है 108,000 का, तो प्राइस में डिफरेंस डेफिनेटली है, क्लोज टू 50,000 का डिफरेंस है। बट लेट्स सी, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, इसका आपने ऑलरेडी R15 के साथ देख लिया होगा, हम लोग दोनों का एक परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं छोटा सा स्कूटर्स का। आप लोग ट्राई मत करना खुद से, ऑल दो इतना कोई रिस्की नहीं है ये, क्योंकि ये सब 100 और 110 जो यहाँ की स्पीड लिमिट है उतना ही जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है ये। उसके अलावा अगर हम लुक्स की बात कर लें ये परफॉर्मेंस टेस्ट शुरू करने से पहले, तो एरोक्स डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा स्लीक, ज़्यादा मॉडर्न लगती है देखने में, स्पेशली अगर आप बैक से देखो, बैक तो बहुत ही ख़तरनाक है। बाकी इसमें यहाँ पे एक बीक निकली हुई है, और ये बीक आप पता है कहाँ से शुरू हुई थी, डियो से शुरू हुई थी। डियो में सबसे पहले ऐसा डिज़ाइन आया था जिसमें लाइट नीचे होती थी, आप देखो सारे स्कूटर्स में लाइट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई है, जो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट भी है, रोड पे रात में ज़्यादा अच्छा थ्रो होता है। तो दोनों ही स्कूटर्स में आपको LED DRL एंड LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो जो DRL है बड़ा ही खूबसूरत है, उसका DRL थोड़ा छोटा है, बट ये डिज़ाइन भी काफ़ी फेमस हुआ है DRL में, और इसकी भी जो लाइट्स है ना वो भी फुल LED सेटअप है। दोनों ही स्कूटर्स में आपको फुल LED सेटअप मिलेगा, ये पता चलेगा रात में, ऑल्दो उसका जो हेडलाइट यूनिट वो काफी ज्यादा बड़ा है अगर इससे कंपेयर करते हैं। बट अभी तक एंटॉर्क को आए हुए काफी टाइम हो गया, बहुत ही सक्सेसफुल स्कूटर रहा है ये TVS की तरफ से, तो इसकी हेडलाइट भी मैंने रात में टेस्ट करी, अच्छी है, प्रॉपर आपको सब दिखता है, सिटी राइड्स के लिए बढ़िया है। इसकी हमने टेस्ट करी नहीं है, अभी लौटेंगे तो रास्ते में टेस्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली रिव्यू में आप देखोगे या देख लिया होगा। एक बार पीछे से लुक दिखा देता हूं, ये देखो कितना ज्यादा स्लीक और कितना मतलब ख़तरनाक से लुक है, काफ़ी वाइड है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको 140 सेक्शन टायर मिलता है, जितना बाइक्स में आता है, और उसके अलावा अगर इसके टायर की बात करें तो इसमें आपको 110 सेक्शन टायर मिलता है, ये 14 इंचेस का रिम है मैन, 14 इंचेस। तो चलो बातें बहुत हो गई है, भगा के देखते हैं दोनों स्कूटर्स को साइड बाय साइड। चलो तो साइलेंटली स्टार्ट होती है नई वाली, जो भी स्कूटर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट नई वाली एक्टिवा भी ऐसे स्टार्ट होती है, सेल्फ की आवाज़ ही नहीं आती है। स्टार्ट हो गया कैमरा, बाप रे रॉकेट की तरह गई है भाई, लिटरली रॉकेट की तरह। यमन इसको ऑलरेडी ओवरक्लॉक कर रखा है अगर स्कूटर्स की बात करें। देखो एंटॉर्क दिख ही नहीं रही है पीछे। गजब भाई, मान गए एरोक्स। देखो जो प्राइस है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, तो आप सोचना पड़ेगा आपको लेने से पहले एक बार, अगर आप प्रॉपर स्कूटी लेना चाह रहे हो तो स्कूटी तो वही है, ये एक मैक्सी स्कूटर है, ये एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, तो ये समझ लो आपको R15 मिल रही है एक मैक्सी स्कूटर की फेयरिंग में। क्या निकला है भाई ना, राइडर चेंज करते हैं, कितना जा रही थी, 87? अच्छा 97, वैसे तो 105 चली जाती है ना, विंड ब्लास्ट होगा मे बी। हाँ चलो मैं हेड स्टार्ट लूँ, ये तो साथ में ही करते हैं, राइडर्स चेंज कर लिए हमने। ओ भाई ओवर किल है भाई, कसम से मजा आ गया देख के, क्या भाग रही है यार वो। नेक्स्ट लेवल तेज भाग रही है,
रेस मोड लगा हुआ है इसमें एंटॉर्क में. वैसे रेस मोड इज ओनली फॉर स्पीडोमीटर, स्कूटर में कोई चेंज नहीं आता इससे. 100 पहुंच जा भाई, ये एंटॉर्क. सो एंटॉर्क इज डूइंग 100 किलोमीटर पर आवर. आ गई 100. क्या बात है भाई, आंधी है भाई, आंधी आ गई 100. तो अभी आपने ये कंपैरिजन देखा, परफॉर्मेंस टेस्ट देखा. देखो जो प्राइस एक्स्ट्रा यामा चार्ज कर रहा है, डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली वर्थ है. और वर्थ इसलिए बिकॉज बता चुका हूँ मैं, इंजन है, लिक्विड कूलिंग है, काफ़ी चीज़ें हैं. उस 50,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसमें आपको ऐसा लुक मिल रहा है, एग्जॉस्ट मतलब तो नॉर्मली है सच, बट लिक्विड कूलिंग मिल रही है, प्रॉपर आपका रेटर मिल रहा है, अंदर इतना बड़ा सीट स्टोरेज मिल रहा है. एक प्रॉब्लम उसमें सिलेंडर नहीं ला सकते, उसमें आप सिलेंडर ले सकते हो. सिलेंडर लेकिन आता नहीं है प्रॉपर भाई, एक्टिवा में भी नहीं आता, एंटॉर्क में भी नहीं आता है ना, पकड़ना ही पड़ता है. तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो. सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. राइड आर राइट सेफ, स्टे सेफ. और अगर आपको इस कंपैरिजन में एक्टिवा का भी देखना है तो आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स करवाओ, मैं एक्टिवा भी लाता हूँ फिर. चलो तो लाइट की अगर बात करें तो ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं, लाइट ठीक ठाक लग रही है. मतलब अगर हम इसको एंटॉर्क से भी कंपेयर करते हैं तो एंटॉर्क ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इसकी थोड़ी जो ब्राइटनेस है वो कम लग रही है मुझे. ठीक है, मतलब एवरेज है.